नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं, सबसे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर आएंगी, सुबह 10:20 पर वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। एयरपोर्ट पर दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर और अमर जवान ज्योति पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगी। सुबह 10:50 पर पहुंचेंगी अमर जवान ज्योति। सुबह 11:10 पर राजभवन कार्यक्रम में पहुंचेंगी राष्ट्रपति और दोपहर 12:10 पर संविधान पार्क लोकार्पण में रहेंगी और उसके बाद विशेष आदिवासी ग्रुप से करेंगी मुलाकात। फिर दोपहर भोज में शामिल होंगी राष्ट्रपति मुर्मू और राज्यपाल की ओर से दोपहर 12:45 पर भोज आयोजित होगा। उसके बाद जयपुर से पहुंचेंगी उदयपुर एयरपोर्ट। तो आज का ये कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और ये राष्ट्रपति मुर्मू का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। इस दौरान राज्यपाल भी मौजूद रहने वाले हैं सारे कार्यक्रम में और मुख्यमंत्री खुद भी इन कार्यक्रमों में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल ये कार्यक्रम है आज के दिन के जयपुर में। आपको बता दें कि सुबह 10:50 पर वो पहुंचेंगे अमर जवान ज्योति और ये जयपुर का कार्यक्रम आपको हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बता रहे हैं। 10:20 पर वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अमर जवान ज्योति पहुंचकर श्रद्धांजलि वो देंगी और सुबह 10:50 पर वो अमर जवान ज्योति पहुंचेंगी। तो ये फिलहाल कार्यक्रम है और इन कार्यक्रमों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ ही राज्यपाल कम के दौरे पर आज हैं और ये उनका सभी कार्यक्रम है। फिलहाल आपको हम बता रहे हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रहने वाले हैं। राजभवन में संविधान पार्क का लोकार्पण वो करेंगी, आदिवासी समूहों से चर्चा करेंगी। खास ये कार्यक्रम है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पर पहुंचेंगी आज जयपुर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यहां से सिविल लाइन्स पहुंचकर राजभवन में बने संविधान पार्क का लोकार्पण करेंगी। ये कार्यक्रम उनका सुबह 11:20 का है। राष्ट्रपति के लिए राजभवन में लंच भी रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं रजाउल्लाह का। रजा, जानकारी दीजिए आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, और क्योंकि मौसम भी खराब बताया जा रहा है कोई लेट लतीफी तो इस कार्यक्रम में नहीं होने वाली है, क्या अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो राजधानी जयपुर से, राजधानी दिल्ली से राजधानी जयपुर के लिए रवाना हो चुकी है दोपहर को। अभी सुबह 10:15 के करीब वो जयपुर एयरपोर्ट पर वायुसेना के विशेष विमान से लैंड कर जाएगी। वहीं उनका जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो तमाम दर्शकों को बताएंगे। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो 9:20 पर पालम एयरपोर्ट से रवाना हुई थी और 9:30 पर दिल्ली से रवाना हुई है और 10:20 पर जो सेना के हेलीकॉप्टर से जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। जयपुर एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वहीं 10:50 पर अमर जवान ज्योति पहुंचकर श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित करेंगी। 11:10 पर राजभवन कार्यक्रम में राष्ट्रपति शिरकत करने के लिए पहुंचेंगी। वहीं 11:20 से 12:10 तक संविधान पार्क का लोकार्पण कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद राष्ट्रपति 12:15 से 12:40 तक विशेष जो आदिवासी ग्रुप्स हैं जयपुर का उनसे मुलाकात करेगी। 12:45 पर राज्यपाल की ओर से दोपहर को जो सामूहिक भोज का आयोजन किया गया है उसमें वो शामिल होंगी। वही 2 तक जो है राजभवन से वो रवाना हो जाएंगी और 2:20 पर जयपुर एयरपोर्ट से उदयपुर के लिए भी रवाना होंगी और 3:10 पर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वही 3:20 पर उदयपुर से रवाना होकर 4:10 पर मानिकपुर हेलीपोर्ट पहुंचेंगी और 4:30 पर प्रजापिता ब्रह्मपुरी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कैंपस शांति भवन पहुंचेंगी राष्ट्रपति। ये उनका आज पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। फिलहाल जिस तरह से मौसम खराब की बात कही जा रही है तो अभी जिस तरह से राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में कोहरा काफी ज्यादा नजर आ रहा है। जी ठीक है रजल्ला, मुख्यमंत्री भी क्या इस कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद रहेंगे? बताया जा रहा है कि राज्यपाल भी मौजूद रहने वाले हैं राष्ट्रपति मुर्मू के साथ इस कार्यक्रम में। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का राजधानी जयपुर के अंदर पहला दौरा है तो ये कहा जा सकता है कि वो संविधान पार्क का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रही है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, राज्यपाल है कलराज मिश्र, वो यहाँ पर काफी मुस्तैदी के साथ में अपनी ड्यूटी या यूं कहें यूं रिश्यू करने के लिए राष्ट्रपति को स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और स्टेट हैंगर से अपने साथ में इन तमाम जो दल रहेगा उनके साथ में उन तमाम लोगों को लेकर पहले जो शहीद स्मारक है वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित की जाएगी और उसके बाद सीधे राजभवन के अंदर कार्यक्रम रहेगा। यानी कहा जा सकता है कि आज जिस तरह का कार्यक्रम है
ऐसे में ज्यादातर जो सुरक्षा व्यवस्था या फिर जयपुर के अंदर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्योंकि राष्ट्रपति हैं, उनके साथ में राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे, तो ये कहा जा सकता है कि जो वरिष्ठ राजस्थान के जो हो सकता है जो विधानसभा के अध्यक्ष श्रीपी जोशी, उन सूत्रों के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच सकते हैं। जी ठीक है, रसल्ला ये भी जानकारी दीजिए क्योंकि सबसे बड़ा ये कार्यक्रम है और क्योंकि संविधान पार्क जिसका लोकार्पण करने के लिए आज खुद राष्ट्रपति आ रही हैं और इस संविधान पार्क की अगर मैं खासियतों की बात करूं तो कितना अहम है ये? बिल्कुल देखिए, काफी अहम है। जिस तरह से ये पूरा संविधान पार्क का आज उद्घाटन किया जा रहा है तो ये कहा जा सकता है कि नए साल के मौके पर जो है एक जो जनता के लिए ये पार्क हफ्ते में 2 दिन तक खुलेगा। यहाँ तमाम जो संविधान के बारे में जानकारी है वो लोगों को देखने को मिलेगी। उसके अलावा राजभवन में ये जो पूरा कार्यक्रम है वो आयोजन होगा और राजभवन में ही जो है संविधान पार्क का जो है लोकार्पण कार्यक्रम किया जा रहा है। यानी ये कहा जा सकता है राजभवन के अंदर जाने का भी लोगों को जो है एक बड़ा मौका मिल रहा है क्योंकि संविधान पार्क के तहत जो राजभवन है उसको भी लोग नहीं आ सकते हैं। जी ठीक है रजौला, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।